देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष माता ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई। इसीलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप से भरी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत भव्य और ज्योतिमयी है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी को मंगल की संचालक कहा जाता है। इनकी पूजा करने से यदि मंगल दोष है तो वह ठीक हो जाता है। इन्हें भाग्य की देवी भी कहा जाता है। सच्चे मन और भक्ति भाव से इनकी आराधना करने से भाग्य बदल जाता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पूर्व जन्म अर्थात सती रूप में माता सती ने अपने आप को योग अग्नि से भस्म कर दिया था। इसके बाद इनका जन्म हिमालय राज के घर हुआ। इन्हें हिमावती, पार्वती और शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के पति महादेव को फिर से पाना चाहती थी। इसीलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि जी ने उन्हें दर्शन दिए और महादेव को पाने के लिए तप का मार्ग बताया। भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष जमीन पर रहकर एक शाख पर ही वास किया। उन्होंने कई वर्षों तक उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे रहकर गर्मी, सर्दी, बरसात के कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक इन्होंने बेल पत्र खाकर भोलेनाथ की तपस्या की। इसके बाद माता ने बेल पत्र खाना भी बंद कर दिया। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तप के कारण और कुछ ना खाने के कारण देवी का शरीर एकदम सूख गया। माता का इतना कठोर तप देख सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने माता की प्रशंसा की और कहा, देवी इतना कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया, यह आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और महादेव ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं, अब आप घर लौट जाएं। तभी से माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। माता के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हे माँ ब्रह्मचारिणी, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।